Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well and good friends and आपकी preparation भी काफी अच्छे से चल रही होगी. तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और धमाकेदार जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है SSC की तरफ से GD यानी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के लिए. ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा मौका रहने वाला है. ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पारा मिलिट्री फोर्सेस के लिए आपका वैकेंसी रहने वाला है. तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल वे में बात करने वाले हैं कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एज लिमिट क्या होना चाहिए. साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपकी वैकेंसी कब आएगी, एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न, फिजिकल क्राइटेरिया, सारा कुछ आपको बताने वाली हूँ. तो अगर आप भी इस जॉब के रिगार्डिंग थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना. तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के पीछे का मोटिव बस इतना है कि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है SSC GD के लिए कि कितना सीट आपका वेकेंट है, कितने सीट के लिए आपकी वैकेंसी आने वाली है. जैसे कि फ्रेंड्स, आपका CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB एंड असम राइफल्स के लिए आपका वैकेंसी आती है. तो उन सब की तरफ से ना ये आपको वेकेंट सीट बता दिया गया है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई कि इतना सीट खाली है, इतने पे अभी लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ही इतने सीट के लिए वैकेंसी आने वाली है. एग्जैक्टली बता दिया गया है कि कितना सीट खाली है, कितने पे वैकेंसी आने वाली है. तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, तो लास्ट तक बने रहिएगा. तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना हुआ है ओवरऑल. ओवरऑल फ्रेंड्स, आपका 84,000 प्लस सीट के लिए ये वैकेंसी बहुत जल्द हम सभी के बीच आने वाली है. तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि किस किस पैरा मिलिट्री फोर्सेस में कितने लोग करेंटली आपके वर्किंग है और कितना सीट वेकेंट रहने वाला है. CRPF में करेंटली वर्किंग पीपल है 313,778 एंड वेकेंट सीट है 29,283. BSF में करेंटली वर्किंग पीपल है आपके 257,363 एंड वेकेंट सीट है 19,982. ITBP में करेंटली वर्किंग है 89,432 एंड वेकेंट सीट है आपका 4,142. CISF के करेंटली वर्किंग है 1,44,418 सीट्स एंड आपका वेकेंट सीट है 19,475. असम राइफल में करेंटली वर्किंग पर्सन है 63,747 एंड वेकेंट सीट है 3,706. SSB में करेंटली वर्किंग है 97,244 एंड वेकेंट सीट है 8,273. ये डाटा आपको जनवरी 2003 का है फ्रेंड्स, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके बाद आपको और भी ज़्यादा सीट इंक्रीज हो सकता है. तो जब इतनी सारी वैकेंसी आ रही है तो आपको अपनी तैयारी की स्पीड को भी बढ़ा देनी चाहिए ताकि आप फॉर्म अप्लाई करो, आपके पास सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप एक बार में इसको क्रैक कर पाओ. और अगर फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें, आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि मैम ये फॉर्म कब आएगा, तो आपको बता दूं कि अक्टूबर टू दिसंबर 2023 के बीच में आपको ये फॉर्म ऑब्वियसली आ जाएगा. SSC का अनाउंसमेंट है तो ये जल्द ही आपको सीट जो है वेकेंट नहीं रहेगा, कंडक्ट करा लिया जाएगा एग्जाम वगैरह सारा कुछ. एग्जाम की डेट जो है ये आपको फ्रेंड्स जैसा आप पता होगा कि इलेक्शन होने वाला है आपका 2024 में, आपको अप्रैल में इलेक्शन है, तो उसके पहले पहले ही इसका सारा कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा. तो एग्जाम जो है आपका मतलब दिसंबर टू अप्रैल के बीच में ही आपका कंडक्ट हो जाएगा. एज लिमिट की बात करें अगर, तो यहाँ पे मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 23 ईयर्स रहने वाला है. एंड रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, OBC को 3 ईयर्स का, SC ST को 5 ईयर्स का एज पर द गवर्नमेंट रूल्स. इसके बाद बारी आती है फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन की. तो क्वालिफिकेशन इसमें कुछ ज़्यादा मांगा नहीं जाता है, आप जनरली 10th पास हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो. सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें अगर, तो योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 स्टेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपका ऑनलाइन CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब एग्जाम होता है ऑनलाइन.
सेकेंड हाफ का फिजिकल होता है जिसमें पीईटी प्लस पीएसटी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल होता है, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एग्जाम की पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 80 क्वेश्चन का पेपर होता है 160 मार्क्स के लिए, एंड आपका जो है 60 मिनट का पेपर होता है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है फ्रेंड्स आपका 0.50 के लिए। तो आइए हम लोग सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है कितने मार्क्स के लिए। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, मैथ्स का 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आप चूज करोगे उसका 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। ओवरऑल 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स के लिए, एंड आपका 60 मिनट का ये पेपर होने वाला है। सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग फिजिकल का जो क्राइटेरिया है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका होता है पीएसटी, जिसमें आपका हाइट का मेजरमेंट होता है। तो जनरल एससी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर आप एसटी कैंडिडेट हो तो आपका हाइट मेल के लिए मिनिमम 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल्स के लिए मिनिमम 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की जो मेजरमेंट होती है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की होती है, तो यहाँ पे जनरल एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का आपका जो चेस्ट होना चाहिए 80-85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। आपको एसटी कैंडिडेट्स का चेस्ट का जो रिक्वायरमेंट है 76-81 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि इसमें फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में जो रनिंग होती है वो कितने किलोमीटर्स की होती है और कितने मिनट में कंप्लीट करनी होती है। फ्रेंड्स, अगर आप मेल कैंडिडेट्स हो तो 5 किलोमीटर की रनिंग होती है 24 मिनट्स के लिए। वहीं अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हो तो आपका 1 माइल का रनिंग होता है 6.5 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है जिसको कि 8 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हो तो आपका 800 मीटर का रनिंग आपको 4 मिनट में कंप्लीट करना होता है। तो आइए अब मुद्दे की बात करते हैं। फ्रेंड्स, आपने सारा कुछ बेसिक डिटेल वगैरह तो समझ लिया, अब तो मन में बस एक ही क्वेश्चन बच गया कि चलो मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, मैं जॉब कर लेता हूँ तो सैलरी क्या मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे लेवल 3 का सैलरी होता है 21,700 टू आपका 69,100 आपका स्टार्टिंग में होता है 27,000, एंड आपका बाद में इंक्रीमेंट वगैरह होकर 69,100 पर मंथ की सैलरी हो जाती है। एनुअल जो आपका सीटीसी होता है 3 लाख टू 6 लाख तक आपका रहता है। अब बारी आती है जॉब के लोकेशन की। तो योर जॉब लोकेशन विल बी अलोकेटेड बाय पैरामिलिट्री सर्विसेज, जो कि आपको ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिल जाएगा। जहां पे भी आपको रिक्रूट कर दिया जाएगा आपको उस प्लेस पे जाकर के सर्व करना पड़ सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि आपको जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ रहा है उस पर अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये कट ऑफ आपको स्टेट वाइज वैरी करता है, बट एक हम लोग मिनिमम जो कट ऑफ है ना मेल एंड फीमेल और कैटेगरी वाइज, उसको अभी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। जनरल कैंडिडेट्स का मेल का आपको कट ऑफ था 76-79, फीमेल्स के लिए 66-70, ओबीसी के लिए मेल का कट ऑफ था 73-75 एंड फीमेल्स के लिए 63-66, एससी वालों के लिए मेल का कट ऑफ 66-71 एंड फीमेल्स का था 60-64, एसटी के लिए मेल का कट ऑफ 61-66 एंड फीमेल का 56-59, EWS के लिए मेल का कट ऑफ 71-74 एंड फीमेल्स के लिए 65-69, एंड एक्स सर्विस मैन के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेल का जो कट ऑफ था 51-54 था एंड फीमेल्स के लिए 44-47 था। सो फ्रेंड्स, ये सारी बेसिक डिटेल थी आपको SSC GD रिक्रूटमेंट 2023-24 के रिगार्डिंग। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है फ्रेंड्स तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछना, मैं आपके सारे क्वेरीज को वहां सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे या फिर टेलीग्राम पे आके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाओ फ्रेंड्स, फॉलो कर लो, और अगर कोई क्वेरीज है तो आप अपने मैसेज के मीडियम से मुझे बता सकते हो।
और अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना फ्रेंड्स, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन सभी जॉब अपडेट की वीडियो को टाइम पे शेयर करते रहना आप। सो यहाँ मिलूंगी आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।